शराब लेकर ससुराल शायद ही कोई जाता है, पर होली के मौके पर एक शख्स इसलिए पुलिस के हत्थे चढ़ गया कि वह मिठाई की जगह शराब लेकर ससुराल जा रहा था। वह भी एक दो नहीं बल्कि शराब का बाजार ही ससुराल के लिए ले जा रहा था। जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसकी हवा निकल गई। दरअसल होली के त्यौहार में मिठाई के बदले शराब लेकर जाना एक शख्स को खासा महंगा पड़ गया। बेचारा बीबी के मायके की जगह सरकारी ससुराल पहुंच गया। असल में एक शख्स मिठाई के बदले ससुराल के लिए शराब की एक दर्जन पौवा खरीद कर ले जा रहा था कि ससुराल में शराब के साथ मौज मस्ती करेंगे, पर शराब ने उसे हवालात पहुंचा दिया। दामाद जो ससुराल में अपने बीवी और अपने साले के लिए 15 पीस 8 PM ब्रांड शराब लेकर पैदल ही ससुराल जाने के लिए निकला, पर मोहनिया के समेकित जांच चौकी पर मोहनिया थाना और उत्पाद विभाग की टीम ने ससुराल जाने वाले यूपी के राजेश यादव को पैदल चलते हुए पकड़ लिया और इसकी जब जांच हुई तो इसके पास से अंग्रेजी शराब की 15 बोतलें मिली। मामला मोहनिया का है। मोहनिया थाना में पकड़े गए राजेश यादव ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला का रहने वाला है। वह अपने ससुराल कैमूर के रामगढ़ जा रहा था। ससुराल में साले के लिए शराब का इंजाम भी साथ में रखा था। ससुराल जाने के लिए जब साधन नहीं मिला तो वह पैदल ही ससुराल के लिए निकल पड़ा। राजेश ने साले की खातिरदारी के लिए झोले में 15 पीस शराब ली थी। पुलिस की नज़र जब समेकित चौकी पार कर रहे राजेश यादव पर पड़ी तो उसके झोले की जांच की गई। झोले में अंग्रेजी शराब की बोतलें थीं। शराब देख पुलिस वाले उसे थाने लाए और हवालात में बंद कर दिया। शराब कहाँ लेके जा रहे थे? साहब रामगढ़ जा रहे थे। रामगढ़ क्या है आपका? रामगढ़ भट्टे पे। भट्टे पर क्या है? हमारी औरत रहती है, भट्टे काम करती है। ये शराब किसके लिए लेके जा रहे थे? हाँ साहब, पीने खाने के लिए अपना कहे थे साहब, और उसे ले जा रहा। तो मतलब कौन पीता? हाँ साहब, कौन इस शराब को कौन पीता? ये साहब दोनों के महाराज से लिए हैं, मनाज से लेकर रामगढ़ जा रहे हैं। हाँ हाँ, रामगढ़ पे हमारी बीवी साला सब है, उन्हें लोग को ले जा रहे हैं होली त्यौहार में। तो आपका ससुराल हुआ रामगढ़? हाँ सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ सर। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन? घर आपका क्या कहाँ है? घर जौनपुर है सर। जौनपुर। आपको पता नहीं था कि बिहार में शराब बंदी है? नहीं साहब, आपको कुछ नहीं मालूम, हम इसके कुछ नहीं। तो यार, लोग ससुराल जाते हैं तो मिठाई वगैरह फल लेके जाते हैं, ये शराब आप क्यों ले ली? नहीं सर, हम ससुराल से जाते हैं खाली हाथ जाते हैं, हम ये कुल कर कम है ना कर साहब। हाँ, ये कुल हमारे भाई का आदत है ये ना हमारे साथ। तो फिर आज ही कैसे पकड़ा गया सर? सर ये मतलब होली शुभ मारे हमारी औरत साला लोग मांगे थे, मतलब पीने खाने के लिए। औरत भी पीती है सर? हाँ, पीने खाने के लिए। और हम लोग काम नहीं करते हैं सर, हम तो टेली कॉलेज में सीधा नौकरी कर रहे हैं सर। हम तो 8-9 साल से गाड़ी चला रहे हैं वहाँ पे। कितना का शराब खरीदे जी सर? कितना का शराब, कितना का खरीदे? 100 रुपये का। 100 रुपये के पड़ता है साहब, वही जोड़ी जब पढ़े लिखे नहीं हैं सर। 100 रुपये का एक। तो किस चीज़ से आ रहे थे, कैसे आ रहे थे, कैसे सर? बस से आ रहे थे, हमारा मतलब एक दोस्त था, वो मिला नहीं, काम का भाई नहीं मिला, वो हमको लगा चल गया। हम इसीलिए अपन पैदल हम कर सकते रामगढ़ से, और रामगढ़ जा मोहनिया से रामगढ़ जाना है। पैदल ही जा रहे थे सर आप? बस यहाँ से पकड़ते टम्पू को। मतलब अभी जब पकड़ाए तो पैदल थे ना? जी सर। जब पुलिस पकड़ी तो पैदल ही जा रहे थे ना? हाँ सर, पैदल मतलब आ रहे थे, मतलब हमको पैदल मतलब आगे चल के सवारी पकड़ लेंगे, वो मिला नहीं हमको। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या है? नाम राजेश यादव है सर। मोहनिया DSP रघुनाथ सिंह ने बताया कि राजेश यादव ससुराल अपने साले और बीवी को शराब गिफ्ट देने और होली मनाने जा रहा था। जांच के क्रम में मोहनिया पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा समेकित जांच चौकी पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, राजेश नाम था उसका, वो यूपी के रहने वाला था, रामगढ़ में उसका ससुराल था, तो यूपी तरफ से ही शराब लेकर आ रहा था और शराब के साथ मोहनिया में पकड़े गए। कहाँ पर गिरफ्तारी हुई? मोहनिया क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई। पैदल ही जा रहा था? हाँ, पैदल ही जाएगा, तो चेक पोस्ट के आसपास में रहता है। ठीक। बहरहाल शराब के साथ ससुराल में होली मनाने की जगह राजेश यादव सरकारी ससुराल पहुंच गया और कहावत चरितार्थ हो गई कि शराब के फेर में न घर के रहे न घाट के। खुलासा के लिए कैमूर से मुकुल जायसवाल की रिपोर्ट।